हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निभास किचन। तो आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि नवरात्रि चल रहा है, तो हमारे आज कन्या पूजन था, तो उसके लिए हमने आज सूजी का हलवा बनाया था। सूजी का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई को पहले पूरी तरह गर्म कर लें और उसमें 1 कप घी डालें। 1 कप घी डालने के बाद उसमें 2 कप सूजी डाल लें और उसको धीरे धीरे चलाते रहें। अब हमने ऊपर से भी थोड़ा सा घी डाला है जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। तो अब आप इसको धीरे धीरे चलाते रहें जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो सूजी को इस तरह से अच्छे से चलाते रहें। गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखें जिससे सूजी जो है वो जलेगा नहीं। आपको इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा शेड आएगा तब तक के लिए इसको चलाते रहना है। और इसको बिल्कुल इस तरह से चलाते रहें और बीच में बंद ना करें, क्योंकि आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फिर जलने लगेगा। तो इसको इस तरह से चलाते रहें। और अब इसमें हम जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो चीनी डालेंगे। चीनी को हमने यहाँ चाशनी बनाकर यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर चाशनी का यूज़ करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए आप एक पैन में 5 कप पानी डाल लें और उसके बाद उसको गर्म होने दें और उसमें फिर 2 कप चीनी डाल दें। अब यहाँ पर हमने 2 कप चीनी डाल लिया है और इसमें 2 इलायची को कूट कर डाल लें। अब इलायची डालने के बाद इसको चीनी को मेल्ट होने दें और जब तक ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए, जब तक आपको पानी में पूरी तरह से लगे कि चीनी अब नहीं दिख रही है, तब तक आपको इसको उबाल लेना है। और यहाँ पर हमने जो सूजी लिया है उसको हमारा ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने ऊपर से 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। 2 चम्मच घी डालकर और उसको अच्छे से मिला लें। इससे हमारा जो सूजी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और एकदम लतबदा सा बनेगा। अब इसमें चाशनी देखिए हमारी, अब इसमें चीनी मेल्ट हो रहा है और चीनी पूरी तरह से यहाँ पर अब मेल्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर लें और ये जो हमारी चाशनी है इसको सूजी में डाल दें। चाशनी डालने के बाद आप हलवे को धीरे धीरे चलाते रहें और जब तक हलवा पूरी तरह से हमारा बनकर तैयार ना हो जाए तब तक इसको आप उबलने दें। तो हलवे का टेक्सचर आ जाएगा हमारा थोड़ी देर में, और इसको तब तक के लिए ऐसे चलाते रहें। अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया है सब कुछ और देखिए धीरे धीरे इसमें ये उबलना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। और इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर बनाएं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हलवा है वो पूरी तरह से कितना अच्छा सा डिलीशियस सा दिख रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें